का नाम था जगन, राइट। दोनों बचपन से पड़ोस में रहते थे, नर्सरी स्कूल में साथ गए, उसके बाद स्कूल कंप्लीट साथ में किया, कॉलेज में भी सेम कॉलेज में एडमिशन मिली, सेम कॉलेज में एडमिशन मिली। एंड कॉलेज पास आउट करके उनकी किस्मत ऐसी थी कि एक ही कंपनी के अंदर उनको नौकरी मिली, राइट। जब एक ही कंपनी के अंदर उनको जॉब मिली, उनकी जो जॉब थी वो जॉब थी ऑफ अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उनको प्रोडक्ट्स बेचने थे। तो वो दोनों मेहनती लड़के थे, बड़े अकलमंद थे, उन दोनों ने मेहनत बहुत ज्यादा की। हुआ क्या कि दो साल के बाद जगन को प्रमोशन मिल गई और चमन को नहीं मिली, राइट। अब आप में से 3 8 डेट्स किसने देखी है? सभी ने। उसमें वो है ना कि इतना दुख तब नहीं होता चतुर चतुर तब ज्यादा दुख होता है जब आपका दोस्त जो है वो नंबर वन आ रहा है, ठीक है। तो उसके साथ भी यही हाल हुआ, उसको बड़ा ऐसा लगा कि यार इसकी प्रमोशन होगी, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई, मैंने भी तो इतनी मेहनत की थी। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने एक सोच बनाई, उसने सोच क्या बनाई कि मैं इस बार ही इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि अगले साल जो मेरा बॉस जो है वो कहीं रुक ही ना सके और मुझे प्रमोशन जरूर दे। वो जो जितने घंटे काम करता था उसने उससे ज्यादा डबल घंटे काम करना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते 2 साल और बीत गए। जब 2 साल बीत गए तो 2 साल के बाद हुआ क्या कि जगन को एक और प्रमोशन मिल गई और चमन को कोई प्रमोशन नहीं मिली। अब उसको चढ़ गया एकदम गुस्सा, उसने क्या किया, रेजिग्नेशन लिखा और जाके बॉस के टेबल के ऊपर मारा ठक करके, कहता बॉस अपनी नौकरी रखो अपने घर में, ठीक है, तुम्हारी कंपनी में सिर्फ चमचों को प्रमोशन मिलती है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको आप पहचानते नहीं, तो इसीलिए मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करना चाहता। बॉस को पता था कि ये मेहनती लड़का बहुत है और अच्छा लड़का है, ये गलत काम कर रहा है। उसने कहा 1 मिनट रुको, और उसने चमन को बुलाया, चमन तो ये था सॉरी जगन को बुलाया, और उन दोनों को कहा कि मैं आप दोनों को एक काम देता हूं कि जाइए बाहर और देख के आओ कि क्या कोई आदमी तरबूज बेच रहा है। तरबूज आप अंडरस्टैंड करते हैं ना? यस, वाटरमेलन। तो बाहर से हरा होता है, अंदर से लाल, अंदर से लाल होता है, वाटरमेलन। खाने में कैसा होता है? मीठा। पर बीज कितने होते हैं? बहुत सारे। खाते खाते कड़क करके राइट कि छोटी छोटी इरिटेशंस हर चीज में आती हैं, जो मीठी भी होती है, पर उसको थूक के आप खाना बंद नहीं करते, राइट। तो उसने कहा कि ऐसा है कि बाहर जाके देख के आओ कि क्या कोई आदमी तरबूज बेच रहा है। उसने कहा वेरी गुड। उन्होंने कहा ये तो आसान काम है, दोनों को दोनों गए। थोड़ी देर के बाद सबसे पहले चमन वापस आ गया, उसने कहा यस बॉस बाहर एक आदमी तरबूज बेच रहा है। उसने कहा तरबूज का रेट क्या है? कहता नौकरी देनी है तो दो, फालतू का सवाल मत पूछो। आपने मेरे से क्या पूछा था कि क्या कोई आदमी तरबूज बेच रहा है? मैं देख के आ गया, हाँ एक आदमी तरबूज बेच रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं रुको। थोड़ी देर के बाद चमन आया, उसने कहा चमन क्या हुआ? ही सेड साहब एक आदमी बाहर तरबूज बेच रहा है। उसने कहा तरबूज का रेट क्या है? कहते तरबूज का रेट है 20 रुपए पर किलो, अगर आप 10 किलो लोगे तो आपको रेट लगेगा 15 रुपए पर किलो। उसके जो ठेले के ऊपर 180 तरबूज हैं और उसके गोदाम के अंदर 250 तरबूज और हैं। सारे के सारे तरबूज जो हैं वो मीठे हैं, राइट, और 2 दिन पहले साउथ से उसका फ्रेश स्टॉक आया। जब उसने ये बताया तो बॉस ने चमन की तरफ देखा, चमन कह गया समझ गया कि मेरी गलती क्या है, राइट। तो उसने कहा कि यार मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करके चमन के साथ सीखूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मेरे कहने का मतलब था कि हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, जो वेस्टीज का बिजनेस बिल्ड करते हैं, लोग कहते हैं 3 लोगों से मिलो, कहते हैं हम तो 3 लोगों से मिला है। अब उसके अंदर तरबूज मीठा है या फीका है वो नहीं देखा, सवाल एक पूछना बिजनेस करना है, और कहता नहीं, कहता चलो जाओ राइट। अरे बिजनेस करना क्यों है, बिजनेस से उसको क्या फायदा होगा, उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी? अगर आपने इन चीजों में नहीं गए, अगर आपने सिर्फ पोस्टमैन का काम किया कि जाए और डाक डाल के वापस आ गए, वो कोई उठाए ना उठाए, बरसात में खराब हो ना हो, तो तब जिंदगी नहीं बदलेगी। मैंने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो आपको